कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल कैजुअल लाइफस्टाइल पर। मैं हूं भावना कार्की। दोस्तों, अक्सर हमारे घरों में कुछ लंबे समय से पुरानी चांदी रखी रहती है या कोई चांदी जो हमने काफी इस्तेमाल कर ली है, उसमें धीरे धीरे समय के साथ साथ हवा के संपर्क में आने से या कुछ गंदगी जम जाने की वजह से वो अपनी चमक को खो देती है। जिस तरीके से हम उसे पहली बार खरीद के लाते हैं, नई चमकदार थी, वैसी वो नहीं रह जाती है। तो मैं यहाँ आपको इस वीडियो में कोई 5 तरीके बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हम अपनी चांदी को चमका सकते हैं, और लास्ट में हम जानेंगे कि कौन सा एक बेस्ट तरीका है जिससे वाकई में हमारी चांदी सबसे ज्यादा चमकदार हो सकती है। तो मेरे पास भी यहाँ कुछ पुरानी चांदी रखी हुई है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि कौन सा एक सबसे बेस्ट तरीका है जिससे हमारी चांदी अच्छे से चमक सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप यहां देख सकते हैं मेरे पास कुछ पुरानी चांदी रखी हुई है, इसकी चमक भी जा चुकी है और साथ में इसको सफाई की भी जरूरत है। इस चांदी को 5 अलग अलग तरीकों से साफ करके दिखाने के लिए मैंने यहां 5 बाउल लिए हैं और सभी में थोड़ी थोड़ी चांदी डाल दी है। दोस्तों, सबसे पहले बाउल में मैं डाल रही हूँ बेकिंग सोडा, जो कि चांदी को चमकाने के लिए काफी अच्छा माना जाता है। दूसरे बाउल में मैं डाल रही हूँ डिटर्जेंट पाउडर। तीसरे बाउल में मैं डाल रही हूँ विनेगर यानी कि सिरका। चौथे बाउल में मैं डाल रही हूँ हैंड सैनिटाइजर। हैंड सैनिटाइजर दोस्तों न केवल हाथों के कीटाणुओं को मारने का काम करता है, बल्कि ये सिल्वर की चीज़ों के लिए किसी पॉलिश से कम नहीं है। और दोस्तों, पांचवें बाउल में मैं डाल रही हूँ टोमेटो केचप, ये भी चांदी को चमकाने का काम करता है। अब बेकिंग सोडा और डिटर्जेंट पाउडर वाले बाउल में मैं गर्म पानी डाल रही हूँ। इतना पानी डालना है कि जितना कि चांदी अच्छे से भीग जाए। उसके बाद एक चम्मच की सहायता से सारे बाउल की चांदी को अच्छे से हिला रही हूँ। दोस्तों, वीडियो के आखिर में हमको मालूम होगा कि इन 5 तरीकों में से कौन सा सबसे अच्छा तरीका है चांदी को चमकाने का। तो दोस्तों, पहले बाउल में मैंने रखा है सोडा, दूसरे बाउल में मैंने रखा है डिटर्जेंट पाउडर, तीसरे बाउल में मैंने रखा है विनेगर, चौथे बाउल में मैंने रखा है सैनिटाइजर और पांचवें बाउल में मैंने रखा है टोमेटो सॉस। और अब इन बाउल को मैं कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ रही हूँ। दोस्तों, 4 से 5 घंटे हो चुके हैं, हमारी चांदी अच्छे तरह से अपने मिक्सचर में डूब चुकी है। अब मैं यहाँ एक ब्रश की सहायता से सभी चांदी को अच्छे से घिस रही हूँ। दोस्तों, ब्रश से घिसना बहुत ज़रूरी है ताकि अभी तक जो हमारी चांदी में पुरानी गंदगियाँ चिपकी हुई थी वो आसानी से और ज़्यादा निकल जाए। दोस्तों, इन चांदी की सफाई करते करते आप देख सकते हैं जो मेरे हाथ में ब्रश है वो अब काफ़ी गंदा हो चुका है, उसमें चांदी की सारी गंदगी चिपक चुकी है। चांदी में जो पुरानी गंदगी लगी हुई थी वो अब सारी निकल चुकी है। दोस्तों, हमें ब्रश से भी काफ़ी ज़्यादा सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हमारी चांदी या गहनों में जो गहरी गहरी डिज़ाइंस हैं उसके अंदर तक की गंदगी हमारी निकल जाए। दोस्तों, यहाँ मैंने देखा था कि 5 बाउल के मिक्सचर ने काफ़ी अच्छी सफाई करी थी मेरी चांदी की, लेकिन एक सबसे अच्छा तरीका था वो अभी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया है जिसमें मैं गर्म पानी डाल रही हूँ ताकि मैं इन सभी चांदी को एक बारी अच्छे से गर्म पानी से निकाल सकूँ। गर्म पानी से निकालने के बाद मैं इन्हें एल्यूमिनियम फॉइल से भी साफ़ कर रही हूँ और उसके बाद एक कॉटन के कपड़े से इनको पोंछ कर रख रही हूँ। तो दोस्तों, मेरी ये 5 बाउल की चांदी एकदम चमकदार हो गई है। इस चांदी को मैंने सैनिटाइजर में डुबो के रखा था, आप देख सकते हैं ये भी काफी अच्छी चमक रही है। इस चांदी को मैंने टोमेटो केचप में डुबो के रखा था, इसका रिजल्ट मुझे कुछ खास नहीं लगा है। दोस्तों, इसने अभी उतनी ज्यादा अच्छे से सफाई नहीं करी है जितना कि बाकियों ने अच्छे से सफाई करी। इस तीसरे बाउल में मैंने रखा था बेकिंग सोडा, आप इसको देख सकते हैं कि इसने काफ़ी अच्छे से सफाई करी है, काफ़ी बारीकी से मेरी चांदी की इसने सफाई करी है।
फ्रेंड्स, बेकिंग सोडा पाउडर को मैंने गर्म पानी के साथ भिगो के रखा था और उसमें साथ में मैंने अपनी चांदी डाल दी थी और 4-5 घंटे के लिए छोड़ा था। और आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छा इसने मेरी चांदी को चमकाया है। अब इस चौथे बाउल की चांदी को मैंने रखा था सर्फ़ और गर्म पानी में भिगोकर। आप इसको भी देख सकते हैं, ये भी काफ़ी चमक रही है। ब्रश से सफाई करने के बाद ये चांदी और भी ज़्यादा चमकने लगी है। इस पांचवें बाउल की चांदी को मैंने रखा था सिरका यानी कि विनेगर में डुबोकर। इसका भी रिज़ल्ट अच्छा लगा है। काफ़ी बारीकी से इसने भी चांदी की अच्छे से सफाई करी है और चांदी को एकदम चमका दिया है। तो दोस्तों, जो सबसे बेस्ट रिज़ल्ट मुझे देखने को मिला वो था बेकिंग सोडा वाला। जो मैंने बेकिंग सोडा में डिप करके रखा था उसका रिज़ल्ट सबसे अच्छा देखने को मिला। इसने हमारी चांदी को बहुत अच्छा शाइन दिया है। आप देख सकते हैं कि ये चांदी की पायल काफ़ी अच्छी चमक रही है। बेकिंग सोडा के मिक्सचर ने ही सबसे ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट दिखाए हैं। सेकेंड बेस्ट रिज़ल्ट जो मुझे देखने को मिला वो था डिटर्जेंट पाउडर में डिप की हुई सिल्वर। सर्फ में डिप करने से भी हमारी चांदी काफ़ी अच्छी क्लीन हुई है। उसके बाद विनेगर में डिप की हुई चांदी के भी अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिले हैं। सो फ्रेंड्स, ये हो गई है चांदी एकदम क्लीन होके तैयार, जो कि पहले से काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रही है। सो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो से जाना कि कौन से 5 तरीके हैं जिनसे हम अपनी चांदी को चमका सकते हैं और आखिर में कौन सा 1 तरीका है जिससे हमारी चांदी सबसे ज्यादा चमकी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगी। तो फिर दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।